नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सरवन इनफाइनाइट होम्योपैथिक चैनल में आपका स्वागत है। आज होम्योपैथिक की एक प्रमुख औषधि अस्ट्रामोनियम की मानसिक एवं शारीरिक लक्षणों का विवेचन करने जा रहा हूँ। अस्ट्रामोनियम अपने आप में एक महान औषधि है। इनका प्रमुख लक्षण बेहोशी है, चाहे कारण कोई भी हो। बेहोशी की अवस्था में रोगी बिस्तर से उठकर भागना चाहता है, लगातार पागल की तरह भागता है, नज़दीकी लोगों को मारता काटता और नाखून से नोचना चाहता है। लेकिन कभी कभी ऐसे रोग नाचता है, हंसता भी है ऐसे पेशेंट, गाता भी है ऐसे रोगी, कभी कभी डरावने सपने देखता है। और दोस्तों, ऐसे रोगी बहुत घमंडी होता है। दोस्तों, लक्षणानुसार दवाई दी जाए तो अस्ट्रामोनियम से तुतलापन तथा कठिन से कठिन जीर्ण रोग ठीक हो जाते हैं। औषधि की शक्ति 30 पोटेंसी का ही प्रयोग किया जाए। अस्ट्रामोनियम औषधि खराटे तथा लार का बहना को ठीक कर देती है। मित्रों, अब हम लोग अस्ट्रामोनियम की रूब्रिक के बारे में जानेंगे। रूब्रिक का अर्थ है जो बोलो सो निहाल, सत्य श्रीकाल, यानी रोगी के मुंह से जो शब्द निकलता है उसे रूब्रिक कहते हैं। अस्ट्रामोनियम का रोगी कहता है कि डॉक्टर साहब, मुझे लाइट बहुत पसंद है तथा संगीत का बहुत शौकीन हूँ, संगीत सुनना मुझे ज़्यादा पसंद है। रोगी कहता है, डॉक्टर साहब, मुझे इस रोग से मुक्त कर दो, मैं आपको हाथ पैर जोड़ता हूँ, आप मेरे लिए भगवान हैं। इस मानसिक लक्षण पर अस्ट्रामोनियम दिया जाए तो लगभग सभी रोग ठीक हो जाते हैं। होम्योपैथिक इज द साइंस बियॉन्ड साइंस, प्रिस्क्राइब फॉर द पेशेंट एंड नॉट फॉर डिजीज। धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।